Good morning, students. Today we are going to start chapter number 6 from your book Flamingo, Poets and Pancakes. So here you can see remote corners, which means a place that is located away from the populated areas. Madan means a young woman or an unmarried girl. Greta Garbo. First, what do you say? Greta Garbo. You can learn about this character. A Swedish actress. Who is she? A Swedish. Sweden ki actress hai. 1954 mein she received an honorary Oscar for her unforgettable screen performances. इन्होंने 1954 में ऑनररी जो रेप्यूटेड अवार्ड होता है, रिस्पेक्टेबल अवार्ड होता है, वो इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता विच फॉर द अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस. ऐसी परफॉर्मेंस विच वी कांट फॉरगेट, जो हम भुलाए से भी नहीं भूले. अनफॉरगेटेबल. द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नेम हर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन हु एवर लिव्ड. गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड हो गया नेम. वर्ल्ड की जो बुक है उसमें इनका रिकॉर्ड हो गया नेम. विच द मोस्ट, विच किस नाम से? मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन हु एवर लिव्ड. ऐसी इंसान, ऐसी वुमेन जो आज से पहले कभी इतनी अच्छे नहीं जिया हो लाइफ जिसने. शी वॉज ऑल्सो वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री. उनको इस बात के लिए भी वोट किया था, बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस. बिना फिजूल की बात नहीं करती थी, ज्यादा साइलेंट रहती थी, तो उसके लिए भी कंट्री में उनको वोट किया गया था. नेक्स्ट कैरेक्टर इज वैजयंती माला, एन इंडियन एक्ट्रेस हूज परफॉर्मेंस वॉज वाइडली अप्रिशिएटेड इन बिमल रॉय देवदास. जिसकी अप्रिसिएशन हुई थी, जिसकी परफॉर्मेंस के बारे में, कहां पर? इन बिमल रॉय देवदास में. शी वॉन 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स. 3 अवार्ड्स उसने जीते थे फॉर हर एक्टिंग. शी इज नाउ ऑन एक्टिव पॉलिटिशियन. अब वो कहां चले गई? पॉलिटिक्स में चले गई, तो वो एक्टिव पॉलिटिशियन है. नाउ द नेक्स्ट इज The word pancake from the title Poets and Pancake is the name of a makeup brand that Gemini Studio used in large amount. What does it mean? Pancake. Here जो word है, आपका जो chapter है Poet and Pancake, उसमें जो pancake word है वो कहाँ से लिया गया है? उसका एक title है, जो आपका एक brand title है वो pancake, जो makeup brand से लिया गया है, जो कि Gemini Studio में एक, it is a kind of studio. तो जामिनी स्टूडियो में बहुत ज्यादा इन लार्ज अमाउंट में यूज किया जाता है, बोला जाता है. इट इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड यूज्ड बाय फेमस सेलिब्रिटीज. ये जो ब्रांड है बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, और फेमस सेलिब्रिटीज के थ्रू ये चीज बनी है. ये ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है, लाइक मिस गौहर, ग्रेटा गार्बो एंड वैजयंती माला. द राइटर सेज दैट अनादर एक्ट्रेस नेम रति अग्निहोत्री. राइटर का ये कहना है, जो नैरेटर है उसका ये कहना है कि जो बाकी बची हुई रेस्ट ऑफ द अनादर एक्ट्रेस है, जिनका नाम रति अग्निहोत्री है, मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ द ब्रांड ऑफ मेकअप. वो ऐसी भी हैं जिन्होंने कभी भी ये ब्रांड का नेम भी नहीं सुना. शी हैज नेवर लिसन, नेवर हर्ड द ब्रांड्स नेम. एज शी एंटर्ड द इंडस्ट्री, जैसे वो इंडस्ट्री में एंटर हुई थी, तो वो किस बात के लिए एंटर हो रही है उनको नहीं पता था. कहां पर एंटर हो रही है? इसका 4 times 5 times दुनिया में इसका नाम भी चल रहा है, उनको पता भी नहीं था. एंड प्रोबेबली द ब्रांड वॉज नो लॉन्गर यूज देन. और तब तक ब्रांड इतना ज्यादा यूज में भी नहीं था. द लेसन बिगिन विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेकअप रूम. ये लेसन स्टार्ट होता है कहां से? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो मेकअप रूम में हो रहा है ऑफ Gemini Studio विच वॉज सिचुएटेड ऑन अ हायर लेवल फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग की हायर लेवल पे वो आती है, वो हाई फ्लोर पे है. द प्लेस वॉज अर्लियर बिलीव टू बी रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल. ये प्लेस जो है कहां पर बिलीव करते हैं? किस, कहां पर आती है? रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स में आती है ये प्लेस, वहां पर है. क्यूबिकल मीन्स अ स्मॉल पार्टीशन ऑफ एरिया ऑफ द रूम बार्जन टू वॉक इन टू अ रूम क्विकली विदाउट बींग इन्वाइटेड. एनलाइटन मीन्स हैविंग और शोइंग अ रेशनल मॉडर्न एंड वेल इन्फॉर्म आउटलुक. हेयर apex means an exceptionally long and arduous task or activity
perverts means a person whose sexual behavior is regarded as abnormal or unacceptable according to the society. Here, the duty of Ashok Mitran in Jamini studio was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects. जो अशोक मित्रन की ड्यूटी है जामिनी स्टूडियो में वो क्या कर दिया, कट हो गई न्यूज़पेपर. क्या करने की ड्यूटी है, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को कट करने की ड्यूटी है उनकी. बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में, मतलब टॉपिक्स में वाइड वैरायटी में वो कट करते हैं, क्लिपिंग्स लेते हैं न्यूज़पेपर की. नेक्स्ट इज And after the cutting of clippings of newspaper, they store them in flies. Many of these had to be written out by hand. और काफी उसमें printed ही नहीं थी, काफी उसमें by hand written भी थी, hand written लिखी हुई थी हाथों से. He was given a small area in a room with French windows on two of its sides. अब वो क्या था, वो वहां पर क्या दे रहा था, एक small area जो है room का उसने दिया जिसमें French windows भी थी, two sides उसको दे दी थी कि हाँ आप यहाँ रहोगे. किसको, अशोक मित्रन को. कंसिडरिंग द नेचर ऑफ हिज जॉब, मोस्ट पीपल थॉट हिज जॉब टू बी इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है. एंड ही सस्पेक्टेड दैट हिज बॉस यूज टू थिंक लाइकवाइज. अब वो क्या कर रहे हैं, कंसिडर करते हुए उसकी जो जॉब का नेचर है उसको कंसिडर करते हुए उनको विंडो वाली चीज दे दी, वो कॉर्नर दे दिए, वो साइड दे दिए, तो काफी सारे लोग जो है उनके जॉब के अकॉर्डिंग सोचते थे ये तो अनइम्पॉर्टेंट जॉब है, इनसिग्निफिकेंट है, इनइफेक्टिव है, इसको कोई ये यूजलेस है, वर्थलेस है, कुछ भी मतलब नहीं है इसका. और वो सस्पेक्ट करते हैं कि उसका जो बॉस है वो शायद ऐसा ही सोचता है, इसलिए ऐसी जॉब पे उसको रखा है. Therefore, people took it as an incentive to go uninvitedly in his cubicle. अब वो जो cubicle जो shape है, which I told you according to room space, small area of room, तो people जो है उसको इस तरीके से लेते हैं कि एक as an incentive है. Incentive means जानते हो क्या होता है, एक charges होते हैं, एक wages होते हैं, वो होता है incentive wages होते हैं, मतलब एक तरह का amount होता है जो extra में income expenses से extra में add किया जाता है, वो wages हैं जो कि uninvitedly, मतलब बताया जो income से extra में होते हैं, expenses से extra में होते हैं, तो वो uninvitedly मतलब बिना मांगे, बिना उसको invite किए मिल जाता है cubicle में. To lecture him about doing something real, और वो lecture भी देते हैं इस तरीके से कि कुछ real चल रहा है, practically based होते हैं. Even the office boy would barge in to share his views of how poetic talent was getting wasted in the makeup department. यहाँ तक कि जो office boy है ना, वो भी अपना जो शेयर है, आपको जो व्यूज देता है ना उसमें अपना शेयर देता है, ठीक है. मैं भी आपको अपनी व्यूज दे रहा हूँ कि कैसे पोएटिक टैलेंट जो है वेस्ट हो रहा है हमारे मेकअप डिपार्टमेंट में, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे लोग. दस अशोक मित्रन वुड प्रे फॉर क्राउड शूटिंग. अशोक मित्रन क्या करने लगे, क्राउड शूटिंग के लिए प्रे करने लगे. विच वॉज द ओनली वे टू कीप द ऑफिस बॉय बिजी, क्योंकि यही चीज थी जो उसके ऑफिस बॉय को बिजी रख सकती थी, एंड सेव फ्रॉम हिज स्टोरीज, और उसकी स्टोरीज से उसको सेव कर सकती थी, बचा सकती थी. नेक्स्ट इज कोवर्टली, हेयर इट मीन्स सीक्रेटली, वोज मीन्स डिस्ट्रेस, इग्नोमी मीन्स पब्लिक शेम और डिसग्रेस, कॉन्ट्ररी मीन्स अपोजिट इन नेचर, डायरेक्शन और मीनिंग. Virtue means behavior showing high moral standards, here good luck. Affluent having a great deal of money means wealthy. Having a hand in to be involved with something. The boy from the makeup department was very well convinced. अब इस बात से makeup department का जो office boy था ना वो बहुत ज्यादा अच्छे से convince हो गया, उसने उसकी बात मान ली. That the main reason for all his misery was Kotha Mangalam Subbu. अब इसका मेन रीजन क्या है, उसका डाइवर्ट क्यों करना चाहता था वो ध्यान, क्योंकि कोठा मंगलम में रहने वाला जो सुब्बू है वो ज्यादा इसका मेन कॉज है, इसका मेन रीजन है. सुब्बू वॉज प्रिविलेज इनफ टू गेट अ बेटर ओपनिंग इन फिल्म्स. हु वॉज सुब्बू, जिसने बेटर ओपनिंग करी थी इन कंपेयर टू द अदर कैरेक्टर्स फिल्म में, देन द मेकअप बॉय, इवन दो ही वॉज लेस एजुकेटेड. सुब्बू वॉज नॉट वेल, वेरी वेल एजुकेटेड, वो लेस एजुकेटेड था बाकी आर्टिस्ट से. एंड एंटर दिस लाइन इन इट्स इनिशियल स्टेज, और इस लाइन में बहुत ही छोटी एज में, बहुत ही इनिशियल स्टार्टिंग एज में ही वो एंटर कर गया था इन फिल्म इंडस्ट्री में.
ही वॉज बॉर्न अ ब्राह्मण विच वॉज कंसिडर टू बी अ वर्च्यू. वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि ब्राह्मण फैमिली से है और वर्च्यू मतलब पूजा पाठ से कंसिडर करती है, मतलब स्पिरिचुअलिटी है, एसेटिक है, बिकॉज ऑफ विच ही कुड एसोशिएट विद वेल ऑफ पीपल. और इसी वजह से उसका जो तरीका था फुली वेल मैनर्ड था, यहाँ तक कि वो उसको इतनी डिसिप्लिनरी था, इतनी पंक्चुअलिटी थी, इतने तरीके से फुली वेल मैनर वाला था वो बंदा. वो इसलिए था क्योंकि ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि ब्राह्मण्स में जहाँ पे पूजा पाठ मैटर करती हैं इस तरीके से, इसलिए. बल्कि वो लेस एजुकेटेड था एंड बी इन कंफर्टेबल सिचुएशन, और हर सिचुएशन को अच्छे से डील करने की ताकत रखता था. ही हैज अ पावर, ही वॉज अ चेयरफुल मैन कैपेबल ऑफ कीपिंग अ हैप्पी फेस. वो इतना ज्यादा चेयरफुल मैन था और हैप्पी फेस लेके, कंडीशन कैसे भी हो लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन हो, वो हैप्पी फेस से रहता था. इवन आफ्टर हिज फिल्म कुडंट डू वेल, यहाँ तक कि उसकी फिल्म जो है इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दे रही थी तब भी वो खुश था. नेक्स्ट इज लॉयल्टी. हेयर लॉयल्टी मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सपोर्ट फॉर समवन. सुबू वॉज अ वेरी रिसोर्सफुल मैन हु ऑलवेज हैड सम सॉर्ट ऑफ वर्क फॉर एवरी वन. सुबू जो है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल मैन था, मतलब ऐसा इंसान जो हर जगह से अपने रिसोर्सेज निकाल लेता है, अपने अपने काम करने का तरीका जो है जुगाड़ू आदमी होता है ना, जिस टाइप का वो आदमी था कि वो अपने काम का भी अटकने नहीं देता था, कहीं ना कहीं से अपना काम मतलब निकाल देता था. हु ऑलवेज हैड सम सॉर्ट ऑफ वर्क फॉर एवरी वन, सबसे उसको कोई ना कोई काम हो जाता था क्योंकि वो हर तरीके से रिसोर्स निकाल लेता था. ही वॉज बैड एट डूइंग थिंग्स ऑन हिज ओन. वो सिर्फ खुद के काम करने में बैड था बहुत ज्यादा, बट हिज इमेंस लॉयल्टी मेड हिम अ मैन ऑफ इंपॉर्टेंस. लेकिन जो उसकी लॉयल्टी थी, जितनी अच्छे से वो करता था पोटेंशियलिटी, उस तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस जो है बढ़ जाती थी, वैल्यू बढ़ जाती थी. ही वॉज वेल नोन फॉर हिज क्रिएटिविटी. वो अपनी क्रिएटिविटी को लेके बहुत ज्यादा वेल नोन रहा था एंड एवरीबडी थॉट दैट ही वॉज अ परफेक्ट फिट इन द प्रोफेशन ऑफ फिल्म मेकिंग. और हर कोई ये सोचता था कि ये तो फिल्म मेकिंग के लिए बना है, ये तो परफेक्ट है इसके लिए. वन हैड टू ओनली टेल हिम अ सिनेरियो एंड ही वुड कम विद मेनी डिफरेंट वेज टू परफॉर्म इट. और किसी ने उसको ये बताया कि ऐसा सिनेरियो है और ये जो है मेनी डिफरेंट वेज है परफॉर्म करने के, वो हर चीज को अलग अलग ढंग से परफॉर्म कर लेता था. फॉर इंस्टेंस व्हेन द डायरेक्टर आस्क हिम टू एग्जीक्यूट अ सीन इन विच अ रैट किल्स अ टाइग्रेस अंडर वॉटर. अब किसी ने फिल्म में जो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने उससे पूछा कि एक सीन में एग्जीक्यूशन दिखाना है, ऐसे इंप्लीमेंट करना है जिसमें एक रैट जो है टाइग्रेस को किल कर रहा है, शेरनी को मार रहा है, बाघिन को मार रहा है अंडर द वॉटर, बट टेक केयर ऑफ द कब्स. लेकिन उसके कब्स की वो केयर कर रहा है, कब्स को नहीं मार रहा, ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी के तौर पर सहानुभूति देखिए उनके कब्स को तो ध्यान रख रहा है. सुबू कम विद फोर और रादर 14 डिफरेंट वेज टू परफॉर्म इट. सुबू ने फोर या कभी फोर से ज्यादा, यहां तक कि 14 डिफरेंट वेज परफॉर्म कर दिए ऐसा एक्ट प्ले करने के लिए, सीन दिखाने के लिए. एंड ही टुक लेस देन अ मिनट टू वर्क इट आउट. और इसको एग्जीक्यूट करने में उसने शायद एक मिनट से भी कम टाइम लगाया. हेयर डेलिबरेटली मीन्स ऑन पर्पज. ओवर शेडो मीन्स वॉज बेटर देन. ड्वार्फ मीन्स कॉज टू सीम स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट इन कंपेरिजन. नेक्स्ट इज लिटरेरी विच मीन्स एसोसिएटेड विद लिटरेरी वर्क्स और अदर फॉर्मल राइटिंग. क्रिटिक मीन्स अ पर्सन हु जजेस द मेरिट्स ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स. रिफ्रेन मीन्स लाइन्स दैट आर रिपीटेड इन पोएट्री. डिक्शन मीन्स द स्टाइल ऑफ एनंसिएशन इन स्पीकिंग और सिंगिंग आर्टिकुलेशन. स्प्रॉलिंग मीन्स स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज एरिया और डिटेल. डेप्टली मीन्स एफर्टलेसली. एच मीन्स हेयर डिफाइन और डिस्क्राइब. Devdasis means in South India, a Devdasi is a girl dedicated to worship and serve a deity or a temple. Devdasi South India में एक ऐसी girl है जिसमें Devdasi का मतलब एक ऐसी girl है जो dedicate कर देती अपनी पूरी life जो है पूजा पाठ में, worship करने में, और एक deity या एक temple जो है अपनी पूरी life उस temple में बिता देती है. The system was outlaw in all of India in 1988. और in 1988 में ये system जो है outlaw हो गया, कानून से बाहर निकाल दिया, law से इसको out of कर दिया, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता. Why should we waste our life? We should enjoy. Since Subbu was an extremely resourceful and creative person, तो अब ये पता चल गया होगा Subbu जो है बहुत ज़्यादा extremely रिसोर्सफुल और क्रिएटिव पर्सन है, उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, इनकैपेबल नहीं है.
फिल्म मेकिंग वॉज अ लॉट इजियर वैन ही वॉज अराउंड. फिल्म मेकिंग जब वो इधर उधर होता है, सराउंडिंग्स में होता है, फिल्म मेकिंग उसके लिए बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छी चीज है. ही अलोन गेव जैमिनी स्टूडियो अ यूनिक आइडेंटिटी. वो अकेला ही जैमिनी स्टूडियो के लिए इनफ कैपेबल है. एक यूनिक आइडेंटिटी उसने जैमिनी स्टूडियो को प्रोवाइड किया अकेले ने, मतलब हर तरह के कैरेक्टर बनाकर, हर तरह के कैरेक्टर में प्ले कर. नॉट ओनली दिस, ही वॉज ग्रेट एट पोएट्री. यहां तक कि पोएट्री में भी वो बहुत अच्छा रहा है. ही हैड द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग हिज पोएट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉग्निशन बट ही स्टिल चूज टू रिसाइड इट पर्सनली टू द मासेस. उसका खुद का क्या था, पोइट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉग्निशन, एक अलग से पहचान बनाई उसने, लेकिन फिर भी उसने पर्सनली क्या चूज किया, एक्ट प्ले करना. हिज क्रिटिक्स वर ऑफ द ओपिनियंस दैट हिज पोइटिक स्किल्स वर ओवरशैडो बाय हिज एक्सेलेंट फिल्म मेकिंग स्किल्स. उसके जो क्रिटिक्स जो उसकी निंदा कर रहे थे ना लोग, वो क्या थे, उनका ओपिनियन ये था कि पोइटिक स्किल्स जो है उसकी वो ओवरशैडो, उसको ढक रही हैं. किसको, जो फिल्म मेकिंग स्किल्स है उनमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, वो उसको ओवरशैडो कर रही है. तो ही कंपोज हिज वेरियस फॉक्स स्टोरी पोम्स एंड द इनफेमस नॉवल थेलाना मोहम्मद विच विद ब्यूटिफुली क्यूरेटेड कैरेक्टर्स. क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट, उसने कंपोज किया वेरियस बहुत कई तरह की फॉक्स स्टोरीज पोम्स में एंड इन फेमस नॉवल, और एक ऐसी इन फेमस नॉवल जो फेमस नहीं हुई है, विच इज नॉट पॉपुलर. द नेम इज थेलाना मोहम्मद विद ब्यूटिफुली क्यूरेटेड कैरेक्टर्स. में कैरेक्टर्स को बहुत ही ब्यूटिफुली शो किया गया है, उनका ब्यूटिफाई किया गया है, उनकी हर चीज को. ही इवन रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ देवदासी. यहां तक कि उसने देवदासी का मूड रिक्रिएट करा है और उसका जो मैनर है उसको भी शो करा है. हु एग्जिस्टेड इन द 20th सेंचुरी, और कब एग्जिस्ट हुई है ये शो करने में, 20th सेंचुरी में. आपको मेन प्लेयर्स मीन्स एक्टर्स परफॉर्मिंग द मेन रोल्स. Genuine means true here, conscious means aware, improvident a person who does not plan his expenses and ends up wasting means money, demeanor means manner or attitude, sycophant means a person who acts and obsequiously, मतलब excessive obedient, बहुत ज्यादा obedient होना towards someone important in order to gain advantage, किसी से उसको फायदा हो तो वो ज्यादा अपनी obedience ही दिखाता है, sincerity दिखाए. Direst means terrible. अपार्ट फ्रॉम द अफॉरमेंशन क्वालिटीज, इनके बाद में जो ऊपर आपको क्वालिटीज मेंशन की है उनके अलावा भी क्या है, सब्बू वॉज अ रियलिस्टिक एक्टर. एक ऐसा एक्टर जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है, जिसको देख के ये नहीं लगता कि वो एक ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है. नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, इतना ज्यादा वो खेलने का इच्छुक नहीं है. द प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट मीन्स एन एक्टर हु प्लेज अ लीड रोल इन अ मूवी, इन अ ड्रामा, इन अ फिल्म. Whichever role he performed, he had the ability to perform better than the main actors. जो भी रोल परफॉर्म करने को देते हैं वो एबिलिटी से बेटर परफॉर्म करके शो करता है, जितनी उसकी क्षमता होती है उससे ज्यादा. He treated everyone with sincere respect, और हर किसी को इस तरीके से रेस्पेक्टफुली शो करता है, ऑनररी शो करता है, ऑनररी गिव करता है, अफेक्शन के साथ उनके सामने आता है. सो मच सो दैट हिज होम वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर ऑल हिज नोन्स, उसका परमानेंट घर बन जाता था, उसके जो नोन है ना उन्हीं लोगों का घर, क्योंकि वो इस तरीके से सबके साथ रहता था कि लगता ही नहीं था ये कोई ड्रामा प्ले कर रहे हैं या हमारे साथ कोई इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है या जॉब में हमारा कोई पार्टनर है, हमारा फेलो है. इस तरीके से वो शो ही नहीं करता था, जो भी जानकार हैं उसके, जो भी नोन्स हैं उनका ही उसका परमानेंट हाउस वो बन जाता था. ही वॉजंट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज सो वेलकमिंग, यहां तक कि वो इस बात से अवेयर भी नहीं था कि वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग बंदा है, सबके लिए वेलकमिंग पर्सन है, कि जहां जाता है वहीं उसका वेलकम हो जाता है. द नैरेटर वॉज अमेज ऑफ द फैक्ट दैट इवन सच अ पर्सन कुड हैव एनिमीज, यहां तक कि नैरेटर भी बहुत ज्यादा अमेज गए उसके फैक्ट को लेके, कि यहां तक कि जो ये पर्सन जो है इसके कोई एनिमीज नहीं है क्या, हो तो सकते हैं, उनको भी शॉक्ड होता है. ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द रीजन बिहाइंड सच बिहेवियर टुवर्ड सुबू, लेकिन वो इस बात के लिए शॉक भी है कि ऐसा क्यों करते हैं, ये श्योर नहीं है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, कोई रीजन नहीं है इसके पीछे कि सुबू ऐसा परफॉर्म क्यों दिखा रहा है, हमें ऐसी चीजें क्यों शो कर रहा है.
ही गेस्ड इट टू बी हिज क्लोजनेस, कितना क्लोज क्यों आ रहा है अपने बॉस के, जो वहां पे जो बॉस है उनका फिल्म मेकर जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसके इतना क्लोज क्यों आ रहा है, और बिकॉज ही सेड नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, और सबके लिए वो अच्छी चीज ही बोलता है, कोई डिसएडवांटेज कोई उसके ना लिमिटेशंस कुछ बताता ही नहीं है नेगेटिव तो, एंड एवरीवन और सिंपली बिकॉज ही प्रेज द बॉस टू गेन फेवर्स, क्योंकि वो सबको क्या करता है सिंपली शो करता है अपना नेचर और प्रेज करता है सबके लिए, यहाँ तक कि बॉस के सामने भी फेवर गेन करता है, सबको अपने अपने वो बताता है चीजें लेकिन पॉजिटिव मैनर में। रिगार्डलेस द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट विश टेरेबल थिंग्स फॉर सुब्बू, यहाँ तक लेकिन उसके अगेंस्ट में जो बॉय मेकअप डिपार्टमेंट में है वो विश करता है टेरेबल थिंग्स, बहुत भयानक चीजें, डेंजरस चीजें, किसके लिए, फॉर सुब्बू। हेयर टेम्परामेंटल मीन्स लाइबल टू अनरीजनेबल चेंजेस ऑफ मूड, ब्लू ओर मीन्स टू पास बाय और टू एंड, इनक्रिमिनेटिंग मीन्स मेकिंग समवन अपियर गिल्टी ऑफ अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, फाउल मीन्स बैड, टायरेड मीन्स अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूसेशन, स्ट्रक डम शॉक, कंट्री साइड मीन्स फ्रॉम विलेज, सोफिस्टिकेशन मीन्स having a good understanding of the way people behave, catapulted means move suddenly, unwittingly, unknowingly, here Subbu could always be found with the boss, Subbu hamesha kahan pe milta tha, boss ke saath mein, but officially he, lekin officially purpose pe milta tha, aise nahi kuch bhi aaltu faaltu baat kar raha hai is tarike se nahi, wo officially purpose se always with boss hi milta tha, he worked under the story department, wo kahan work karta tha, स्टोरी डिपार्टमेंट में वर्क करता था विद द बॉस, द डिपार्टमेंट कंसिस्टेड ऑफ पोएट्स, और डिपार्टमेंट में कौन कौन था, पोएट्स, राइटर, स्ट्रेंजली भी थे, और एक स्ट्रेंजली क्यों कह रहे हैं, एक लॉयर को स्ट्रेंजली कह रहे हैं, स्ट्रेंजर कह रहा है, ही वॉज ऑफन रेफर टू एज अ लीगल एडवाइजर बट पीपल यूज टू कॉल हिम द अपोजिट, वो लीगल एडवाइजर है लोगों का, लोगों को एडवाइजर एडवाइज करता है लेकिन उसको कॉल करते हैं वो अपोजिट, क्योंकि वो उन सबके अगेंस्ट रहता है, स्ट्रेंज बन के रहता है, दिस वॉज बिकॉज वंस अ हाई टेम्पर्ड एक्ट्रेस स्टार्टिंग थ्रोइंग टेंट्रम्स ऑन सेट लीविंग एवरीवन स्टंट व्हाइल ही वेंट एंड सीक्रेटली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, जैसे वो रिकॉर्डिंग का टाइम आता है तो वो शॉर्ट टेम्पर है, बहुत ज्यादा इस तरीके से बनता है कि वो सबके टेंट्रम्स नहीं झेलता, वो वहां छोड़कर चल जाता है सबके नखरे, कुछ नहीं देखता, अपने स्टंट दिखाता है, यहां तक कि वो वहां से उठ के चला जाता है और सीक्रेटली स्विच जो उनकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है उस इक्विपमेंट को उसको स्विच ऑन करके रख देता है ताकि वो जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो रिकॉर्ड हो जाए, कई बार वो जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो ऑफ कर देता है, तो इसलिए उसको अपोजिट बंदा कहते हैं, उसका नाम ही रख दिया अपोजिट। He played it when the actress paused for breath. वो इस तरीके से करते प्ले करते हैं जब वो ब्रीथिंग लेती है एक्ट्रेस, लिविंग हर शॉक, उसको शॉक में छोड़ देते हैं। There was nothing offensive against the producer. कोई भी ऑफेंसिव नहीं है चीज प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में, बट हर प्रॉब्लमैटिक टोन, वॉल्यूम एंड टैंट्रम्स सेंट हर इनटू अ ट्रॉमा, लेकिन जो उसकी टोन है वो प्रॉब्लमैटिक क्या है, उसकी टोन है, उसकी वॉल्यूम है और उसके जो टैंट्रम्स हैं वो जो सेंड होते हैं ट्रॉमा में, विच वॉज हार्ड फॉर हर टू रिकवर फ्रॉम, और बहुत ज्यादा हार्ड है वहां से रिकवर करना उन चीजों को। इट मार्क द एंड ऑफ अ शॉर्ट बट ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, ये शॉर्ट का एक एंड प्रोड्यूस करता है, एंड शो करता है, लेकिन ब्रिलियंट एक्टिंग करियर वहां से उनका स्टार्ट होता है और वो शो करता है, एंड द लीगल एडवाइजर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सम हाउ, और लीगल एडवाइजर जो है इस बात के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू इट इन आर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।